हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। सो फ्रेंड्स, हमने सारे जो पेजेस थे, टीचर, एम्प्लॉई और स्टूडेंट, इन सब में हमने एड वाले पेजेस तो क्रिएट कर लिए हैं, मतलब जिसमें हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, और एक सबका पेज है जिसमें डेटा सर्च होके आ रहा है। अब हमें डिलीट और अपडेट का कोड करना है, तो वन बाय वन हम डिलीट और अपडेट का कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के लिए एक पेज क्रिएट करूँगा जिसमें हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को डिलीट करने का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया फ्रेम क्रिएट करते हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, न्यू जे फ्रेम फॉर्म। ठीक है, और इसका नाम मैंने लिख दिया डिलीट स्टूडेंट, बट ये पेज यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। द फाइल डिलीट स्टूडेंट डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल आपने अगर नहीं बनाई हुई है तो इस तरीके से आप बना लेंगे। तो डिलीट स्टूडेंट डॉट जावा पेज पे मैं जाता हूँ। अभी हमने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक लेबल लेता हूँ। और लेबल पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, लेबल पे हमने टेक्स्ट दे दिया डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस टाइप से हम नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेंटर में कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक लेबल यहाँ पे लेते हैं और एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, एक मैंने लेबल लिया, लेबल के बाद टेक्स्ट फील्ड ले ली। और एक मैंने बटन ले लिया जिस पे क्लिक करके हम डेटा को डिलीट करेंगे। तो लेबल को सेलेक्ट करके मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में जाके इसका टेक्स्ट हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करके इनका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके, सॉरी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो मुझे चेंज नहीं करना था, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। ओके, तो कभी भी कुछ गलती हो तो आप कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया इसको, और साइज मैंने कर दिया 18। ओके, उसके बाद बटन को सेलेक्ट करके मैं बटन की प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। तो मैंने बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट कर दिया डिलीट, डिलीट या रिमूव हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बैक का बटन हमें बनाना है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बटन लिया और इस बटन को
सेलेक्ट करके मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैं इसमें आइकन यूज़ करूँगा, इमेज यूज़ करूँगा। ठीक है, ये इमेज हमने पहले ही इन फोल्डर बना के इमेजेस कॉपी करके इमेजेस फोल्डर में पेस्ट की हुई हैं, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस बटन का कोड लिखेंगे। तो हमें हमने जैसे डेटा इंसर्ट किया था वैसे ही हमें डेटा डिलीट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पेज कोई सा भी बनाया हो, एड टीचर पेज बनाया है, तो इसी में से हम कुछ पार्ट कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करवाए हैं, तो इसको मैं यहाँ भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ। उसके बाद हम ये तीन वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, ये गलत जगह पे हमने पैकेजेस पेस्ट कर दिए हैं। पैकेजेस तो हम सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये तीनों वेरिएबल जो बनाने होते हैं इंटरफेसेस के, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम कनेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कनेक्ट की जगह आपने जो आप कनेक्ट हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है, तो इसका नाम हम कुछ भी अपने से दे सकते हैं, और उसी नाम से फिर हमें उसको कॉल भी करना है। जो नाम डिफाइन करते समय उसी नाम से कॉल करना है। ठीक है, अब हम बटन की कोडिंग करते हैं। हमें डिलीट का कोड लिखना है। तो जैसे हमने ऐड किया था डेटा, ठीक है, जैसे ये हमने डेटा को ऐड करने वाला कोड लिखा था, उसको मैं ऐड ऐड एम्प्लॉई ऐड टीचर कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हैं जो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे। इसको अभी मैं एडिट करूँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ डिज़ाइन में केवल एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, एक ही टेक्स्ट फील्ड है, तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इन सब को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है यहाँ पे, ये टेक्स्ट फील्ड है, इसका नाम है टेक्स्ट फील्ड वन। ठीक है, इसमें से हमने डेटा को गेट किया और एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई के अंदर एक कमांड लिखेंगे, डिलीट करने का कोड हम, ठीक है, एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे डेटा को डिलीट करने के लिए। तो डिलीट की कमांड होती है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से मुझे डिलीट करना है, स्टूडेंट टेबल से, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। ठीक है, हमने इसमें स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने कॉलम बनाया था आईडी नाम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी तो हमने इंटीजर रखा था उसको, तो आप ठीक है, टेबल के अंदर हमने इसको इंटीजर रखा हुआ है आईडी को। आई इसका मैं चेक कर लेता हूँ इसमें, हाँ ये इंटीजर है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं डबल कोड प्लस, फिर प्लस डबल कोड,
यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया। सिंगल कोट्स भी आप चाहें तो एक एक लगा सकते हैं, बट ये वैरकेर नहीं था, वैरकेर होता तो मैं सिंगल कोट लगाता। ये इंटीजर है तो आप डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट के अंदर इसको लिखेंगे। ठीक है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल किया, और डेटा डिलीट होने के बाद हमने मैसेज दे दिया रिकॉर्ड रिमूव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ठीक है, सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, रन करने से पहले स्टूडेंट डॉट जावा पेज को ओपन करते हैं। इसके डिज़ाइन में जाके हम इस बटन का कोड लिख देते हैं डिलीट का। ठीक है, डिलीट पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाए। तो आप क्या करेंगे, डिलीट कोड वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है ना, जैसे हमने ये एड स्टूडेंट वाला पेज ओपन किया था उसी तरह डिलीट स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। न्यू डिलीट स्टूडेंट, जिस भी नाम का हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसके थ्रू हम सेट साइज को कॉल करेंगे, और यहाँ पे विड्थ और हाइट पास कर देंगे। ठीक है, हालांकि इस पेज में ज़्यादा कंट्रोल्स हमने नहीं रखे हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें नहीं हैं, तो आप इसका हाइट जो है थोड़ा सा कम भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने सेट विजिबल को कॉल किया। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इस पेज को। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया हुआ है। आईडी इसकी आप देख लें 1 है, तो आप डिलीट पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। 1 क्या है, एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, मैंने 1 लिखा, डिलीट पे क्लिक किया तो ये लिख के आ गया रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, और अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। देन आफ्टर हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा जो है डिलीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम सिमिलरली हम डिलीट टीचर और डिलीट एम्प्लॉई के लिए कोड लिखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।